आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को जय श्री श्याम। अभी है शाम का टाइम 6:15 होंगे समथिंग, अभी मैंने घड़ी देखी नहीं है। और मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की। आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी, और वो तो मैंने आपको हर बार बता रखी है कि हर बार जैसे दाल बाटी बनाती हूँ वैसे बनाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल मसाला बाटी। उसके लिए बस पहले जैसे बाटी का आटा लगाते हैं वैसे मैं आटा लगा लूँगी। दाल मैंने चढ़ा दी है और आज हम स्पेशल हरी चटनी भी बनाएंगे। तो आज स्पेशल है मसाला बाटी। तो चलिए चलते हैं, लग जाते हैं काम पर। तो बाटी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है ओवन। तो ये मैं ऊपर की साइड में रख देती हूँ क्योंकि इतना यूज़ में आता नहीं है। महीने में 2 से 3 बार दाल बाटी बनती है, तो फिर उसके लिए ऐसी कोई स्पेशल जगह भी है नहीं, तो फिर मैंने ऊपर किचन में ही रख रखा है। तो मैंने उसको उतार लिया था और उसको अभी गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दी थी एक तरफ, और यहाँ पर मैंने ना सब्जी वाले भैया से धनिया और हरी मिर्ची ली थी जो मैंने बाहर ही रख रखी थी। तो फिर मैं इसमें से लेकर के आ गई हूँ और उसको अभी साफ़ करने का इतना टाइम नहीं है, फ़िलहाल मैं खाना बना लेती हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर मसाला बाटी के लिए आलू बॉईल कर लिए थे और इसमें मैं बारीक बारीक ये हरा धनिया काट करके इसमें डाल दूँगी। धनिया की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि कि मुझे इस तरह से हरा धनिया बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं डाल दूँगी इसमें सौंफ, और अब मैं अपने मसाले में डाल दूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसमें डाल दूँगी इसके बाद नमक। और मैं आज जो मसाला बना रही हूँ बिल्कुल समोसा जैसा जो हम मसाला बनाते हैं ना वैसा है। और थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, हल्दी की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च, और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा अच्छी ही डालती हूँ क्योंकि चटपटी मुझे पसंद है। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ये कूट करके धनिया, जो खड़ा धनिया होता है ना वो। तो धनिए को हमें ज़्यादा इतना भी नहीं कूटना है, मतलब नॉर्मल रखना है ना, अध कुट्टा होता है ना बीच का वैसा रखना है। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद में थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च लूँगी, और इसको भी मैं अच्छे से कूट करके अपने मसाले में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरा मसाला बिल्कुल बन कर के रेडी है, और अब मैं इसे इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मैंने इतने में ही यहाँ पर थोड़ी सी जो मटर भी है वो भी बॉईल करके ने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर मेरी मटर आप देख सकते हैं कि अच्छे से बॉईल हो गई है, तो मैं मटर भी इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और आज स्पेशल खाना इसलिए बन रहा है कि भाई, तो आज सुबह खाने में हमने कुछ भी नहीं बनाया था, सिंपल पराठे सेके थे। तो आज हस्बैंड ने जो है फरमाइश कर दी थी कि उनको आज स्पेशल खाना है, तो उनका फेवरेट खाना है दाल बाटी, और साथ में उन्होंने मसाला बाटी की फरमाइश करी थी मेरे से। और फर्स्ट टाइम मैं जो है मसाला बाटी बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बाटी का लेते हैं लोया वो ले लिया था, और उसके बाद उसको थोड़ा सा बेल दिया था, और फिर ऐसे जैसे कचौड़ी बनाते हैं ना उसी टाइप से गोल करके आलू को और इसमें भर दिया था। और ये जो मसाला बाटी है ये थोड़ी सी बड़ी बन गई थी मेरे से, क्योंकि अपने को इतना पता होता है नहीं है, पर सेकंड फिर जो मैंने बनाई थी वो थोड़ी छोटी बनाई थी, क्योंकि मसाला बाटी का शेप जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। और फिर हम इसे सेक लेंगे अवन में, और मैंने साथ में आप देख सकते हैं साथ में सिंपल बाटी भी बनाई है, ताकि के जिसको अगर किसी को पसंद ना भी आए, जैसे कि बच्चे क्या है ना नहीं खा पाते हैं मसाले वगैरह, भृगु बिल्कुल नहीं खाता, तो फिर मैंने सादा बाटी भी बनाई थी। तो फिर इसी तरह से मैं जितनी भी सारी अपनी मसाला बाटी है वो सब बना लूँगी। और मुझे थोड़ा मसाला क्या ज़्यादा लग रहा था, तो मैं हमारे अनुसार ही बना लूँगी जितने, जैसे कि हम दोनों ही खाएंगे और एक तो एक मिष्टी खा लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैं उसके लिए बना लूँगी। थोड़ा अगर मसाला बचेगा तो बचा करके उसे मसाले को रख दूँगी। देखिए मेरी हरी चटनी बनकर के बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मेरी बन रही है बाटी, इसमें सादा बाटी भी और मसाला बाटी भी मिक्स हो रही है बाटियाँ, जैसे कि ये मसाला बाटी है ये सादा बाटी है। इसको मैं ढक देती हूँ फिलहाल। ये बन करके वैसे बिल्कुल तैयार है, बस थोड़ी सी और कसर है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी देर और सेक लूँ इन बाटियों को। और यहाँ पर मेरी बन गई है दाल, ये देखिए मेरी दाल बिल्कुल अच्छी चटपटी दाल बन करके तैयार है, उड़द चने की ये बिल्कुल रेडी है दाल चटनी। सही,
तो फिलहाल बस थोड़ी सी देर में मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मसाला बाटी किस तरह से बनी है। तो चलिए भाई, अब सबसे पहले भगवान जी की भोग की थाली मैं तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल ले ली है और इसमें मैंने हरी चटनी भी रख दी है, थोड़ा सा नींबू रख दिया है। नींबू क्या है, मैंने थोड़ा सा बच गया था जो चटनी में डाला था, फिर मैंने उसे ही रख दिया है। अब मैं एक एक करके इसमें से पहले पलट लूँगी। इन सारी बाटियों में से होता है ना कि कुछ बाटी तो अच्छे से सीख जाती है और कुछ हमारी थोड़ी सी अच्छे से नहीं सीखती है, तो बस मैंने अलग अलग कर ली हैं। और जो भी मेरी बाटी सारी सीख चुकी हैं उनको मैं ऐसे घी लगा करके रख दूंगी। तो ये मेरी जो अभी मैं जिस पे घी लगा रही हूँ ये बिल्कुल अभी सिंपल बाटी है, तो इसको मैं घी से अच्छे से चौपड़ लूँगी। और वैसे भी बाटी में हम जितना अच्छे से घी लगाएंगे ना उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाता है। मुझे तो बाटी जो है बिल्कुल अच्छे से डिप करी हुई अच्छी लगती है घी के अंदर। और ये मैंने मसाला बाटी निकाल ली है। मसाला बाटी बहुत सारे लोग तेल लगा करके चौपड़ते हैं, पर हम लोगों ने ऐसा नहीं करा था। और देखिए, तेल से नहीं चुपड़ी थी, हम लोगों ने घी से ही चुपड़ ली थी मसाला बाटी भी, क्योंकि मिष्टी के पापा मना कर रहे थे कि उनको तेल वगैरह से नहीं चुपड़ना, मेरी मसाला बाटी जो है घी से ही चुपड़ना। तो फिर मैंने सारी बाटी घी में ही चुपड़ दी थी। तो देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पर डिप कर दी है इसको घी में, और इसके बाद मैंने भगवान जी की थाली बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दी है। और बस इसमें एक चम्मच लगा दूँगी और जितनी भी मेरी बाटियाँ सीख रही हैं इनको मैं अच्छे से पलट दूंगी ताकि कि ये धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सीख जाए, क्योंकि बाटियों को हम जितना अच्छे से धीमी आंच पर सेकेंगे वो उतनी अच्छी क्रिस्पी बनती है। तो चलिए भगवान जी के लगा देते हैं अभी भोग। और आज मैंने भगवान जी के सुबह बस दूध ही भोग लगाया था। और यहाँ पर बच्चे टेडी बेयर वगैरह भी रख ही देते हैं, क्योंकि टेबल रखी हुई है ना तो बच्चे कुछ ना कुछ रख ही देती है। तो फिलहाल भगवान जी के लगा लेते हैं भोग, उसके बाद खाएँगे खाना। तो अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, और हमारा देखिए प्रभु फोन में लगा हुआ है नालायक आवाज कम करने के लिए। प्रभु को बाटी चाहिए, तो मैं आपको इसको पहले दे देती हूँ सादा वाली। ये ले, फूक मार लेना। और अब मैं आपको खा के बता देती हूँ कैसी है मसाला बाटी। फूक मारो, फूक। फिलहाल मैं अपना खाना खा लेती हूँ और अपने वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।